दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और नगर विधायक डॉक्टर आरएमडी अग्रवाल ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के 15 यूपी बटालियन के वर्चुअल शूटिंग रेंज सिमुलेटर फायरिंग का उद्घाटन किया। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि वर्चुअल शूटिंग रेंज में एनसीसी कैडेट्स को तकनीक की मदद से निशाना लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद उन्हें निशानेबाजी में और परिपक्व बनाना है। इस दौरान कुलपति के सामने ही कैडेट्स ने 0.22 इंसॉस सिमुलेटर पर फायरिंग कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैप्टन प्रोफेसर विनीता पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर 15 बटालियन के सीओएस रामालिंगम, एडीएम ऑफिसर मेजर महुआ भट्टाचार्य, एसएम के एके ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, एक नंबर ठीक है। यस सर। दो। यस सर। तीन। यस सर। ओके ठीक है। बार एक नंबर रेडी। यस सर। दो। यस सर। तीन। यस सर। सामने वन बाय वन टारगेट 6 मिली बार 5 नाम टूटिंग फायर। आराम से सीख लो और घर में जब तक पास नाम खत्म नहीं होता है। अभी एक्चुअली हमारा भी प्रैक्टिस है, पक्का नहीं है, पता बढ़ा सकते हैं जी सर। यू कैन इंक्रीज द रेंज जी सर। इसमें रेंज से कैमरा से कितने मीटर का है, कितने मीटर का ऑप्शन और अदर वेपन्स पॉइंट टू ट्वेंटी पॉइंट टू पॉइंट ट्वेंटी स्पोर्ट्स में काम आती है। एनसीसी का एक हम लोग ने वर्चुअल फायरिंग रेंज का इनॉग्रेशन किया है। ये वर्चुअल फायरिंग रेंज से क्या है कि जो आप वर्चुअली डिस्टेंस लगा देते हो और आर्टिफिशियली डिजिटली इसको हिट करते हैं, तो इसमें आपका जो शूटिंग स्किल है उस पर चेक होता है और उसको इम्प्रूव होता है। तो एक्चुअली आप जो वर्चुअल उसमें क्या एक्चुअल गोली ना यूज़ करके, एक्चुअल रेंज ना यूज़ करके एक फिक्स डिस्टेंस से हम वो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डिजिटली मेड है और इससे समय बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं और बच्चा जो शूटिंग की एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इसमें हम लोग इनक्रेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमारे पास ऐसी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के शूटर हैं, तो एक शूटिंग कल्चर बढ़ाने में ये मदद करेगा।